हेलो, नमस्कार भाई और बहनों, जय हिंद जय भारत। मैं आपका प्लानिटेश रतन। आज मैं एक बड़े ही सहनशील मुद्दे पर आप लोगों से विचार करना चाहता हूँ, चर्चा करना चाहता हूँ। और मेरा वो सहनशील इम्पोर्टेंट मुद्दा ये है, कंजर्वेशन। अगर हम बात करें कि बढ़ती हुई जनसंख्या जिस प्रकार से बढ़ रही है, जितनी तीव्र गति से बढ़ रही है, जितनी तेजी से बढ़ रही है, उस हिसाब से जितने भी फॉरेस्ट हैं, जितने भी ज़मीनें हैं, उन सारी ज़मीनों पर, उन सारे फॉरेस्टों का जो है धीरे धीरे कटौती होती जा रही है। उनके अंदर पेड़ों की कटौती होती जा रही है, जितनी भी ज़मीनें हैं उनकी धीरे धीरे जो है कटौती होती जा रही है। इससे हमें यह नुकसान होंगे, इससे हमें जो इम्पोर्टेंट कुछ फ़ायदे हमें ये होंगे, फ़ायदे भी होते हैं, कुछ फ़ायदे भी होते हैं किसी चीज़ों के, और किन्हीं चीज़ों के नुकसान भी होते हैं। सबसे पहले अगर मैं बात करूँ फायदे, जिस प्रकार जनसंख्या बढ़ रही है, पॉपुलेशन बढ़ रही है, तो पॉपुलेशन धीरे धीरे जो लिमिटेड एरिया है उनको कवर करते जा रही है। तो लिमिटेड एरिया जब कवर हो जाएंगे, तो जब लिमिट से बाहर जो एरिया है, जैसे कि हमारे जंगल हुए, अदर जो लैंड हुई, उन पर धीरे धीरे लोग आएंगे। जो ह्यूमंस हैं वो लिमिटेड एरिया को छोड़कर, अपने कम्फर्ट जोन को छोड़कर एक नए एरिया में आएंगे। नए एरिया में आकर जैसे ही वो नई चीज़ों पर कब्जा करेंगे, उनको काटेंगे, उनको अपने कंफर्ट के हिसाब से, उस जगह को अपने कंफर्ट के हिसाब से बनाएंगे, तो उसमें हमारे प्लांट्स का नुकसान होगा। सबसे इम्पोर्टेंट जो मुद्दा है वो प्लांट्स का ये है कि पॉपुलेशन बढ़ रही है, तो हमारे जो डिफॉरेस्टेशन भी ज़्यादा से ज़्यादा होते जा रहे हैं, पेड़ों की कटौती होती जा रही है, और पेड़ उगाए कम जा रहे हैं, काटे ज़्यादा जा रहे हैं, तो इससे हमें नुकसान ये होगा। इवन अभी भी हो रहा है, ऑक्सीजन की कमी हो रही है लोगों को, पेड़ों की कटौती हो रही है, जिससे हमें भी परेशानी है, और पक्षियों को, जानवरों को, जितने भी जीवित जीव जंतु इंसान हैं, उन सभी को बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही है। तो इस परेशानी से बचने का जो इम्पोर्टेंट तरीका है, वो इम्पोर्टेंट तरीका ये है, महत्वपूर्ण तरीका ये है कि हम प्लांटेशन करें, हम जितने हो सके उतने पेड़ उगाएँ, एक पेड़ लगाएँ। अगर माने ना माने, अगर आप मंथ में एक पेड़ लगाते हो कहीं पर भी, चाहे वो अपने घर के किसी एरिए के आसपास लगाओ, चाहे आप अपने किसी फ्रेंड के घर के आसपास लगाओ, चाहे अपने आप किसी रिलेटिव के घर के आसपास लगाओ, चाहे अपने किसी दूर के रिश्तेदारों के घर पे लगाओ, बट एक महीने में अगर आप एक पेड़ लगाते हैं, तो सपोज कीजिए एक महीने में आपने एक पेड़ लगाया, दो महीने में दो पेड़ लगाए, तीन महीने में आपके ऊपर ज़्यादा लोड वर्क भी नहीं आएगा, ना ही इसमें आपका कोई पैसा खर्च होगा। अगर आप पेड़ लगाते हैं, एक पेड़ सपोज कीजिए आपने एक मंथ में लगाया, दूसरे मंथ में दूसरा पेड़ लगाया, तीसरे मंथ में तीसरा पेड़ लगाया, और चौथे मंथ में चौथा पेड़ लगाया, और पांचवें मंथ में पांचवा पेड़ लगाया, इस प्रकार आप हर महीने एक पेड़ लगाते जाओगे, तो साल में 12 महीने होते हैं, 12 पेड़ आपकी तरफ से लगाए जाएंगे। एक साल में अगर आपने 12 पेड़ लगाए, तो दो साल में आप 12 का डबल कर दीजिए, 24 पेड़, और तीन साल में 36 पेड़। आपके ऊपर ज़्यादा लोड ऑफ वर्क नहीं आएगा, बस एक महीने में जब भी आप फ्री हो, जब भी आप कंफर्ट फील करें कि हाँ मैं अब फ्री हूँ, मैं एक पेड़ लगा सकता हूँ। एक पेड़ लगाना इतनी कोई बड़ी जिम्मेदारी नहीं है, इतना कोई बड़ा लोड ऑफ वर्क नहीं है, काम का बोझ नहीं है, आप आराम से कभी भी किसी भी एरिया में कहीं पर भी एक पेड़ लगा सकते हैं। तो मेरी आप सभी से यही रिक्वेस्ट है, आप अपना योगदान दीजिए इन्वायरमेंट के अंदर, क्योंकि जिस प्रकार पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है, चीज़ों पर कब्जा होता जा रहा है, ज़मीनें कटती जा रही हैं और डिफॉरेस्टेशन होते जा रहे हैं, पेड़ कट तो बहुत रहे हैं बट पेड़ लग नहीं रहे, तो हमारी यह महत्वपूर्ण है, ज़रूरत है कि हम पेड़ लगाएं, मंथ में एक पेड़ लगाएं, और जो अपने इन्वायरमेंट से प्यार करते हैं, अपने परिवार से प्यार करते हैं, अपने सभी